पंजाब के गुरदासपुर के बटाला में बुधवार को एक पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट होने से कम 23 लोगों की मौत हो गई और 27 अन्य घायल हो गए। मिली जानकारी के मुताबिक पटाखा फैक्ट्री चलाने वाले 3 भाई थे, जिनमें सिर्फ एक भाई रमनदीप सिंह ही बचा है जो फरार है, जबकि उनके परिवार के 7 लोगों की इस धमाके में मौत हो गई। पंजाब सरकार ने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और अमृतसर मेडिकल कॉलेज भेजे गए गंभीर रूप से घायल 7 लोगों को 50-50 हजार रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। इसके साथ ही मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 25-25 हजार रुपए का अनुदान देने की घोषणा की गई है। न्यूज डेस्क।